आज हम बना रहे हैं जी मैक्रोनिया मैक्रोनिया ये देख सकते हैं मैंने आपा और चीनी चिकन लिया था, उसको फ्राई करके ये कर लिया। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, मैंने मटर लिए थे पाव, उसको निकाल लिया मटर, मैंने आधा किलो का फूल लिया था बंद गोभी का, मैंने उसको सारा काट लिया, और मैंने तीन अदद शिमले लिए हैं काट दी, मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं, ऑयल को गर्म कर लेते हैं, ये देख सकते हैं मटर डाल देने हैं, मैंने सारे मटर इसमें शामिल कर दिए और ये मटर थोड़े से फ्राई हो जाए फिर मैं आपसे देखते हैं, ये देखें ये बन रहा है मटर फ्राई हो जाए, ये आप देख सकते हैं मटर फ्राई हो रहे हैं, इसमें मैंने शामिल कर देने हैं शिमला, सारी शिमला शामिल कर दें आप से कर दें, शिमला शामिल कर दी, अब उनको भी शामिल कर दें आप, ये सारी उनको भी चली किसमें उनको भी, ये अब मैं इसको हल्का हल्का मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे स्पून नमक आपने शामिल कर दिया, ये नमक शामिल हो गया, ये काली मिर्च हाफ टी स्पून ये शामिल हो गई, और ये हाफ टी स्पून चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ना मत डालें, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये मसाले डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हम मिक्स कर लेते अच्छी तरह, अब इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, 10 मिनट के बाद आप सुन सकते हैं, अब इसमें हमने मैक्रोनिया सारी शामिल कर देनी है, ज्यादा हो तो बहुत मजा आता है मक्रोनिया खाने का, सब्जियां कम हो मक्रोनिया ज्यादा हो, जो जुड़ी नहीं आप उसको तोड़ लें, मैंने मक्रोनिया बनाई थी बॉयल की थी, बीच में नमक डालकर मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको पानी ठंडे पानी में धोकर रखती थी, इसलिए ये सही हो जाती है, जब देख लीजिए कवर करके रख देते हैं, चले अगर आपको ये मेरी मैक्रोनिया की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ऊपर इसके मैक्रोनिया के ऊपर केचप डाल के खाएं आपको जायका ही आएगा, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।